चैप्टर का नेम डालिए वृत्त सर्कल, और ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। मैथ क्लास 9th मैथ, ऑडियो वगैरह सब सही है? चलो ठीक है, हो गया। अरे बेटा वो क्लास 9th है, वो क्लास 10th है। अरे कोई ना, ये नई बुक है ना, इसके हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। क्लास 9, सॉरी क्लास 9 चैप्टर 9 है। हाँ सर्कल, सर्कल वाला चैप्टर खोल, वृत्त वही है। चलो ठीक हो गया, टॉपिक नाम डाल दिया, हो गया। बदमाशी कोई नहीं, सर्कल वृत्त, इसमें इसको क्या बोलते हैं, सर्कल, आई आर सी एल ई। पर नहीं देखेंगे, तो देखेंगे सर्कल। अच्छा सर्कल में क्या क्या चीज़ होती है, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं क्या क्या होता है? एक सेंटर होता है, सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदू बोलते हैं। और इसकी रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो सर्कल में क्या होगा, एक पॉइंट होगा और एक रेडियस होगी, और अगर हम रेडियस को दोनों तरफ बढ़ा दें तो क्या कहलाती है? डायामीटर। डायामीटर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सही बोलते हैं। खराब हो जाएगा। डायामीटर को जीवा ही बोलते हैं, याद है तुमको? चले सर कौन सा पढ़ा रहे हैं खुद, तो ठीक है मैं देख लेता हूँ। वृत्त की बराबर जीवाएं की पर बराबर कोण, डायमीटर को गाएं, तो वो होती हैं डायमीटर से वाली चीज। अभी चलो हिंदी आ जाएगा तो उसको देख लेंगे। तो ये जीवा होती है, पता चले यही डायमीटर हो तो दिक्कत है। देखो ये हो गया डायमीटर, और ये हो गई रेडियस ना, और ये हो गया सेंटर, ये हो गई। अब ये बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर से छोटी लाइन होती है। अच्छा व्यास, सॉरी व्यास, व्यास क्या बोलते हैं, व्यास, व्यास है हिंदी में, इसको बोलते हैं व्यास बोलेंगे, डायमीटर को व्यास बोलेंगे, रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और बेटा इसको हिंदी में लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, जो रेडियस से, सॉरी डायमीटर से छोटा होता है, ठीक है? इतना चीज देखो आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जो पहला पॉइंट लिखा गया है, बोला क्या गया है, जीवा द्वारा, जीवा मैंने बता दिया क्या होता है, जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरित कोण, मतलब जो कोण बनता है क्या होता है, कैसे होता है, देखो ये देखो क्या है, इसका सेंटर है, बिंदु है, और ये तो जीवा है, ये वाला देखो ये क्या है, जीवा, और ये क्या है, ये उससे क्यों क्या है, रेडियस है, रेडियस है। तो इसके द्वारा जो कोण बनेगा, देखो इसके द्वारा कोण इधर भी बन रहा है और इसके द्वारा कोण इधर भी बन रहा है, आंतरित कोण हो गया, इसके द्वारा ये भी कोण बन रहा है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी होगी कोण के अंदर, क्या होगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। देखो यहाँ पर रेखाखंड पी, रेखाखंड पी एक बिंदु आर, एक बिंदु आर जो रेखा PQ पर स्थित ना हो, PQ
रेखा पर स्थित ना हो तो यहाँ है, पी आर क्यू आर को मिलाइए, तो इसको मिला दिया ठीक है, तब कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला एंगल की बात कर, ठीक है बेटा, और रेखाखंड पी क्यू द्वारा आर पर आंतरित कोण कहलाता है, क्या कहलाएगा, रेखाखंड पी क्यू द्वारा आर पर आंतरित कोण है, ठीक है बेटा। आगे एंगल पी ओ क्यू देखो, पी ओ क्यू ये वाला एंगल की बात कर, ठीक है बेटा, तो जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र ओ पर, केंद्र ओ पर आंतरित कोण क्या है, कोण ओ पर, सॉरी केंद्र ओ पर आंतरित कोण है, सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक है, देखते चलो हिंदी। और यहाँ पे देखो एंगल लिखा गया है पी आर क्यू, पी आर क्यू और पी एस क्यू, पी एस क्यू क्रमशः पी क्यू द्वारा दीर्घ चाप, पी क्यू दीर्घ चाप देखो पी क्यू के द्वारा और लघु चाप पी क्यू पर स्थित आर और एस है, ये वाला जो ये वाला चाप ये छोटा है और ये बड़ा है, ये क्या हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ चाप और ठीक है आर एस पर अंतरित, यहां तक समझ आया, आगे चल। अब यहां पे देखो क्या है, एक क्या है ये, इसके द्वारा सेंटर पर ये एंगल बन रहा है, इसके द्वारा सेंटर पर अंतरित कोण ये, इसके द्वारा अंतरित, अब इसने यहाँ पे क्या बोला है देखो, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, बराबर होंगे इस तत्व को शक्ति दे, देखो बोला गया बेटा वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर, वृत्त की अगर ये जीवा इस जीवा के बराबर है, केंद्र ओ है, ये जिसका केंद्र ओ है बराबर है, तो केंद्र पर क्या बनाएंगे बराबर कोण, मतलब इसके द्वारा जो ये एंगल होगा मान लेते हैं x है, तो ये क्या होगा बराबर, क्या किसके द्वारा, जीवा के द्वारा बराबर अंतरित कोण बनता है केंद्र पर, ठीक है बेटा। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसने दिया ये इसके बराबर है ये, और ये देखो ये रेडियस है, ये सारे रेडियस है आपस में बराबर है, ये इसके देखो ये इसके बराबर है, और ये मतलब देखो एक साइड ये वाला, एक साइड ये वाला, साइड साइड बराबर हो गया, फिर एक साइड ये, एक साइड ये, ये भी साइड बराबर हो गया, एक साइड ये, एक साइड ये, ये भी साइड बराबर हो गया, मतलब तीनों साइड आपस में क्या हो गई, एक दूसरे के बराबर हो गई। तो अगर साइड 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 से देखेंगे तो क्या होगा, देखो जो ट्रायंगल होगा मतलब ए ओ बी, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ई ओ डी, ओ डी ये क्या हो गया, सर्वांगक्षम, फंक्शन था होगा सर्वांगक्षम, ठीक है बेटा। जब ये सर्वांगक्षम होंगे इसका मतलब क्या होगा, एंगल भी बराबर हो जाएगा ना, ये एंगल ए ओ बी, ए ओ बी वाला एक्स, अभी जब कुछ आएगा पट्टू देख क्या बोला गया, इसमें बोला गया है यदि एक वृत्त की पाँव द्वारा, यदि एक पाँव द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो वे जीवाएँ बराबर होगी, यह देखो उल्टा हो गया जस्ट, पहले उसने दो जीवा बराबर दे रखी थी तो उसने बोला एंगल इक्वल हो गए, अब उसने कहा अगर एंगल इक्वल है इसका मतलब बराबर होगा बस। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है देख लेते, यदि एक सॉरी या सॉरी याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगक्षम होंगे, दो वृत्त हैं वो सर्वांगक्षम कब होंगे, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो तो प्रूफ करना है सर्वांगक्षम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके पर अंतरित, ये तो वही उल्टा बात हो गया, पहले उसने कहा था दो त्रिज्या सॉरी दो जीवा बराबर हो उन पे एंगल क्या होगा बराबर होगा, अब उसने कहा चलो अच्छा हम बता देते दोनों सर्कल सर्वांगक्षम है, और हमने ये कह दिया देखो उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं तो ये बता दो ये वाले एंगल क्या होंगे बराबर होंगे, तो हो जाएगा कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगक्षम वृत्तों की जीवाएं, सर्वांगक्षम वृत्तों वही बता रहा सर्वांगक्षम है वृत्त ठीक है, और उनके केंद्र पर कोण आंतरित कोण और जीवाएं बराबर, देखो ये उल्टा पुलटा वहाँ रहा, एक ही चीज एक ही क्वेश्चन पढ़ा हमने उसको चार तरीके से देख लिया, देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सर्कल है एक
एक सर्कल क्या है, बराबर है। दूसरा है, है। ये एंगल जितना होगा और ए बी एंगल होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर है इस बात है। और एक चीज़ यहाँ पे एंगल भी बराबर होगा, क्या इसी चीज़ को एक में कर देता अगर ये बराबर जाता, ये बराबर जाता, थ्योरेटिकल ज़्यादा है इसे। गया केंद्र से पर लंब, मतलब डालना ये जीवा है ए बी, क्या बेटा जीवा है, वो पॉइंट से हम इस पर लंब डालना चाहते हैं, एक सीधी लाइन इससे पास करा देंगे 90 डिग्री बनाए। और अगर मैं बात करूं ये पॉइंट जो इस पर टच करेगा और यहाँ तो पूरे को बोलेंगे, अगर हम इसको मिलाएं ये क्या कहलाएगी, जितना एंगल होगा 90 डिग्री वही एंगल है, अगर भी 90 डिग्री हो। और देखो अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ है और ये आपस में इक्वल हो जाएगी, क्या हो जाएंगे इक्वल, मतलब जितना ए एम होगा उतना ही एम डी होगा। ठीक है बेटा, और कुछ अब देखो वही जो हमने अभी पढ़ा है उसने क्या बोल दिया है, यदि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मतलब एक सर्किल के सेंटर से, सर्कल हो गया इसकी रेडियस हो गई, ये एक लंब है, इस पर अगर हम लंब डालते हैं तो आप ये बताओ ये आपस में बराबर होंगे, ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ कर सकते हो यार ना, चलो यहाँ प्रूफ कर देता हूँ। अगर मैं इसको इसको मिला देता हूँ ये क्या मिल जाएगा, एक ट्रायंगल ये बन जाएगा बेटा, और एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें ये बताना है कि ये आपस में बराबर हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं, साइड वही जो रूल लगा देंगे सर्वांग समय की, नहीं ये बराबर है आपस में, क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है ये दोनों, और एक सर्कल में सारी त्रिज्याएं बराबर ही तो होती है, चाहे मैं इसको इधर मिला दूं इधर मिला दूं, ये सारे त्रिज्याएं सब आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ये आपस में बराबर हो गया त्रिज्या है, ये देखो 90 डिग्री है, दो एंगल देखो, एक साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर, एक साइड और अगर हम दिखा दें तो बराबर चाहे, ये साइड देखो अगर ये बराबर है और ये अगर क्या कर सकते, साइड एंगल साइड, एक साइड बराबर करने के हम एक एंगल भी दिखा सकते हैं, एक एंगल ये देखो जितना एंगल होगा यही एंगल ए भी, इस तरीके से साइड एंगल एंगल से हो गया, तो मतलब ये जो ट्रायंगल है आपस में क्या बेटा बराबर है या सर्वांगक्षम है, तो अगर ये सर्वांगक्षम है लास्ट वाली साइड जो बची बराबर होगा, बस यही था, ये सब थ्योरी है, इससे पढ़ोगे बस न्यूमेरिकल आसान होगा आपके करने के लिए, कैसे होगा तो अभी देखो, ये पढ़ो 9.4 क्या बोला, देखो फिर वही उल्टा घुमा दिया, एक ही चीज को तीन तीन तरीके से वो बता रहा है। देखो आपकी बार क्या बोला, इसने बोला बेटा कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए कई जीवा पर क्या होता है लंब होता है, मतलब उसने बताया कि एक सर्कल लो उसके सेंटर से, देखो वृत्त के केंद्र से एक जीवा को, अगर इसके जीवा को दो बराबर भागों में बांटना है, मतलब इस पे लाइन खींचना ये बेटा, इस पे 90% कह रहा हूँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 100% ट्रू। दूसरा ये दे सकता है अगर ये बताए ये अगर 90 डिग्री है तो ये समद्विभाजित होगा बराबर होगा, ये हो सकता है, दो चीज़ें इधर को उधर होगा चलाएगा अपने आप का हो गया। इसमें क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, समान जीवाएं, तब अगर जीवा इक्वल है उनके केंद्र से दूरियां क्या होगी, ये देखते हैं ये पिक्चर, ये क्या है एक
है, मान लेते हैं इसका, मान लेते हैं सेंटर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या ए एम बराबर होगा एम बी के, वाला पूरा बराबर ही होगा। अब इससे अगर हम इससे जितनी लाइन खींचेंगे, सपोज करो ये हमने जो लाइन खींची, ये क्या इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, इसका मतलब ये बेटा जो दूरी होगी ये आपस में क्या बी से ए बी की दूरी है, अतः हम ये कह सकते हैं कि एक बिंदु से रेखा पर लंब, लंब की लंबाई रेखा की बिंदु दूरी होती है, क्या होती है दूरी होती है, एक बिंदु से एक रेखा पर, एक बिंदु से एक रेखा पर लंब की लंबाई रेखा की बिंदु से दूरी होती है। अब ये क्या है, पॉइंट से इस पॉइंट की क्या है, आगे देखो, ध्यान दीजिए कि यदि बिंदु रेखा पर स्थित है, यदि बिंदु किस पे है रेखा पर स्थित है तो रेखा से उसकी दूरी, अगर ये जो बेटा पी पॉइंट है ये, अगर मैं इसको उठा करके चिपका दूं ये क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए एम और पी के बीच क्या हो जाएगी, जीरो ही तो हो जाएगी, सही बात। इसमें बोला गया है एक वृत्त में असंख्य जीवाएं हो सकती हैं, असंख्य जीवाएं हो सकती हैं ना, आप एक वृत्त में जीवाएं खींच खींच कर जांच कर सकते हैं कि लंबी जीवा छोटी जीवा की तुलना होती है, इसकी आप विभिन्न लंबाइयों के द्वारा खींच कर, क्या मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाहिए, सपोज करो ये एक सर्कल है, सर्कल अब हम देखना चाहते हैं, सपोज करो इसमें खींच सकते असंख्य, पहला खींचा पांचवा और एक इसी, अब मुझे बताओ सबसे बड़ी जीवा कौन, सबसे बड़ी जीवा देखो ये सबसे ऊपर वाली है और ये क्या है व्यास है, इससे जैसे इससे पॉइंट से मतलब इसके सेंटर से दूर जाते जाओगे की लंबाई क्या होती जाएगी, बड़ी यही थी बेटा, उसके बाद और छोटी फिर और छोटी और छोटी, ज्यादा लास्ट में एकदम पॉइंट बन जाएगी, सही है, ये देखो भाई पॉइंट है, पॉइंट में क्या बोला गया है 9.5, एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की, तब दो वृत्त अगर आपस में बराबर हैं तो बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे होगी, क्या होंगी, अगर वो जीवाएं बराबर हैं इसका मतलब वो समान दूरी, सपोज करो मैं ऐसा बनाता हूँ तो बेटा एक सर्कल है, ठीक है ये एक सर्कल हमने बना लिया, अगर हमने एक सर्कल बनाया, सपोज करो यहाँ में बनाता हूँ एक सर्कल, ये है हमने कहा कि सबसे बड़ी जीवा है या इसी को हम व्यास बोलते हैं, अब हम इससे दूर चलने लगे, अगर हम ये दूर चले ये मान लेते हैं एल लेंथ की, तो अगर हम इससे समान दूरी पर जाएंगे इधर मान लेते हैं अगर ये 5 मीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर करते हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, अगर हम इससे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर चलेंगे, सपोज करो इधर 2 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से 10 सेंटीमीटर इधर भी तो वही मिलेगी, क्योंकि दो सर्कल होते हैं क्या होते हैं बेटा सिमेट्री होते हैं, मतलब जैसा इधर होगा वैसे इधर होगा, अगर हम इधर समान दूरी जाएंगे और इधर भी समान दूरी जाएंगे ये जो लेंथ बनेगी आपस में क्या होगी, कोई दिक्कत, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है एक वृत्त के केंद्र से, क्या बोला गया बेटा एक वृत्त के केंद्र से सम दूरस, सम मतलब होता समान, क्या होता बेटा खुद ही समझदार, चलो बेटा हाँ मैं ये बता रहा था इसमें बोला गया है कि सम मतलब मैंने बताया था समान, दूर मतलब होता है दूर, जब सेंटर से कोई दूर पॉइंट, देखो केंद्र से सम दूरस्थ जीवाएं, अगर जीवाएं केंद्र
समान दूरी पर, एक जीवा ये बेटा ये वाला ए बी एक जीवा है, अगर हम इसकी बात करें सी डी ये भी एक जीवा है, अगर इनके यहाँ से यहाँ की दूरी क्या बेटा समान है समान दूरी, तो उनकी सीमाएं क्या होंगी, मतलब ये जो ए बी है ठीक है बराबर, वही तो अभी देखा मैंने ना, जैसे अगर केंद्र से जितना इधर चलोगे वही जितनी लेंथ की आएगी, उतना इधर चलोगे तो वही लेंथ, बस तुम्हें घुमाया गया है, समझ भाई बात, ये जो प्रूफ करना होगा वो बाद में बता देंगे, बस अभी आप समझो कि क्या होगा क्या नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू देखो, अब हाँ अगर ये न्यूमेरिकल है तो इसमें कुछ चीजें कटिंग है ना बेटा, ये नहीं चल, ये प्रश्नावली 9.2 है, इसमें देखो बोला गया पहला क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर क्या करते हैं प्रतिच्छेदित करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की जाती है 4 सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बता सकते हो कोई, मैं पिक्चर बना दूं बता दोगे, इसमें बोला गया है देखो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, एक दूसरे को किस पे काटते हैं बिंदु पर, दो बिंदुओं पर चित्रित, एक सर्कल ये ठीक है, एक सर, दो सर्कल हैं और 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों सर्कल बराबर नहीं है और अलग रेडियस, सपोज करो ये कितनी 5 है सेंटर यहाँ, इसकी रेडियस कितनी 3 है, तो ये दो बिंदु आप काट रहे हैं, एक बिंदु हाँ एक पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे ठीक काट किए, ये केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, इन दोनों को बता दो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चार सेंटीमीटर, तो अब आपको बताना क्या है बताओ, आपको बताना है जीवा की लंबाई, कॉमन जीवा तो यही होगी ना, इनकी लंबाई ये बड़ा कर देता हूँ लेकिन ये यही इतनी लेंथ बतानी है आपको, बता सकता है इसको मिलाया, इसको मिला दिया और कहाँ से मिला दिया इसको, अब हम इसको बाहर निकाल, ये ब्लू वाली लाइन है तो यहाँ से मिलाया इसको, यहाँ से मिलाया तो यहाँ से इसको, ऐसे किया था, ये मान लेते हैं सेंटर C1 है, मतलब पहले वाले सर्कल सेंटर है और ये दूसरे वाले सेंटर, पहले वाले का रेडियस मुझे बताओ कितना दिया, पहले वाले का रेडियस 5 क्योंकि अब 5 इधर भी 5 होगा, ये तो सेम होगा, इसका कभी 3 कभी 3, अब हमें निकालना क्या आता है ये ब्लू वाली लाइन बता देता हूँ, इसकी लेंथ हमें लेंथ बतानी है, आप कैसे बताओगे वो बताने, इसके लाइन अगर मैं इसको बता दूँ, देखो अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कुछ चीज़ बताई थी, क्या बताया था ये अगर हम इसमें डालते हैं ये जितना होगा वही इतना हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे, अब अगर ये 5 है, अच्छा हाँ ये चीज़ दिया है इनके बीच की दूरी कितनी, 4 दिया है, ये जब बीचों बीच गई है तो क्या ये मुझे बता पाएगा,
अच्छा ये अगर दो है ये लाइन बता सकते हो, तो नहीं होगी। क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे सर्कल के एक छोटा बना देता एक बड़ा बना देता, अब यहाँ से अगर मैं इसको जाता, क्या अभी भी दो आते, ये चार है, या थोड़ा कम आता है तो थोड़ा ज़्यादा आता ना, इधर बड़ा होता वो कितने हमें पता चल जाए। ना जगह भी कम पड़ती है, पावर पॉइंट पे ज़्यादा सही रहे। चलो ठीक है, देखो ये लास्ट यही थे ना हम लोग, ऊपर तक नीचे था ये था। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, तो इसका पिक्चर देखो कुछ इस रहेगा। देखो देखो मैं इसको मिटा और समझा, बदमाश नहीं करेगा कोई। देखो यहाँ पे दिया गया है ये 5 है और ये 3 सेंटीमीटर, तो हमने देखो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 4, ये हमारा सेंटर 1 है ये और ये सेंटर 2 है। अब हमें 3 सेंटीमीटर के, ये हमारे 3 सेंटीमीटर है, इसको मान के एक त्रिज्या का क्या बना है रेडियस, अगर इधर 3 होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा बेटा, तो अगर एग्जैक्ट पिक्चर बनाऊंगा ना कुछ, अब इधर भी 3 जाना चाहिए मतलब यहाँ से कट के आना चाहिए कुछ ये आएगा, और जब दूसरा वाला बनाओगे ना कुछ तो कुछ ये हो गया तुम्हारा 4, हमें जाना चाहिए 5 यहाँ पाना चाहिए, जब करोगे ना तो ये यहाँ से कट करेगा, हर तरफ से 5 5 जाएगा, तब इधर 5 जाएगा इधर और इधर 5, ठीक कट करके जाएगा, कट करने वाला यही जो कॉमन जीवा होगा ये दोनों तरफ होगा, अगर इधर 3 है तो 3 होगा, इसका मतलब आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है बस आज यहीं रोकते हैं, इसके बाद कल बात करते हैं आगे वाले, ठीक है।